Today we will start the next chapter number 8, graduation. We have already completed the chapter number 7 and our first topic is graduation. Graduation is the force of attraction. ठीक है, ये कैसा है? Force of attractive क्या है? क्या है? Force है. ठीक है, it is discovered by Newton. In 1665, कहानी सुन रखी होगी आपने एप्पल वाली. ठीक है, when a apple fall down of the earth. ठीक है, तो ये force of attraction है और work करता है any two bodies के बीच. इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच वर्क करता है. ठीक है, जो मास रखती है. तो एक तो इसका नेचर कैसा होता है? नेचर होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव टाइप. ठीक है, सपोज दैट इसके पास मास m1 है और m2, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन है. ग्रेविटेशन को दिया था किसने? न्यूटन ने. नेक्स्ट लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट इज गिवन बाय न्यूटन ने दिया था इसे. वी हैव टू मास, मास m1 एंड मास m2, और डिस्टेंस है बिटवीन देम r. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम पर आएगा F12, force on 1, why 2, so force on 2 due to first. Okay, so according to Newton's law of gravitation, every body attract to another body with the force of attraction. So those force of attraction is directly proportional the product of their mass and these force inversely proportional iske square of their distance between them yani r square combine both ko combine karenge f proportional m1 m2 upon r square. इस F को हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे. कैपिटल G M1 M2 upon R square. ये G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G is the universal gravitational constant. The numeric value of capital G will be 6.67 into 10 the power minus 11 Newton meter square upon kg square kilogram. Okay, next is our unit. What is the unit of universal gravitational constant capital G? Capital G ka unit फार्मूला क्या है हमारे पास? F इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. जी का हमें निकालना है यूनिट. तो जी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू. अब फोर्स का यूनिट न्यूटन. ये है डिस्टेंस हमारे पास आर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर. मास को किसमें मीजर करते हैं? किलोग्राम में. तो के जी स्क्वायर. नेक्स्ट है इसका डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ जी यानी कैपिटल जी। तो डायमेंशन क्या होगा, जी इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और आर लेंथ है तो इसे लेंगे एल में अपॉन में मास एम स्क्वायर। एक एम से कैंसिल, नीचे रहेगा प्लस में ऊपर माइनस में, और एल क्यू और टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जी। ठीक है, तो जी इक्वल क्या था हमारे पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम। यदि हम बॉडी का मास ले लें एम वन वन के जी, एम टू कितना ले लें वन के जी, और फोर्स कितना अप्लाई करें वन न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी हो उनके बीच वन मीटर, वन मीटर नहीं फोर मीटर, ठीक है। दोनों बॉडी है हमारे पास, उनका मास क्या है वन वन के जी और डिस्टेंस वन मीटर, देन जी इक्वल किसके होगा एफ के, ठीक है। तो जी किसके इक्वल होगा, तो जी है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन कब, व्हेन वी हैव द बोथ बॉडीज मास 1 kg and distance between them 1 meter, then g equal किसके होगा f के, और g की वैल्यू इन डायमेंशन ले सकते हो 6.67 × 10⁻¹⁸ डाय 70 मीटर स्क्वायर ग्राम।